सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और मानव स्वास्थ्य के विषय में जानेंगे। चर्चा में क्यों है ये जानेंगे, मुख्य तथ्य क्या है और संयुक्त राष्ट्र अंतर समूह यानी कि IACG क्या है, इनके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अंतर समूह ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और मानव से संबंधित हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का शीर्षक उन्होंने रखा नो टाइम टू वेट, सिक्योरिंग द फ्यूचर फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हर साल दवा प्रतिरोधी बीमारियों से 10 मिलियन लोगों की मृत्यु की आशंका है। मुख्य तथ्य इससे संबंधित क्या है, एंटी माइक्रोबियल जो प्रतिरोध है जनसंख्या के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और इसके साथ ही साथ जो सतत विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है उन सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न भी करता है। प्रतिजैविक दवाओं का हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़ गया है, तो प्रतिजैविक दवाओं के इस बढ़ते प्रयोग से प्रतिजैविक प्रतिरोध के प्रसार में भी तेजी हो रही है और यदि कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि यही एक सही समय है एक पहल करने का, और यदि एक सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं वो एक विनाशकारी भविष्य को भोग रही होंगी। वर्तमान में प्रतिरोधी लोगों के कारण वैश्विक स्तर पर हर साल कम से कम 7 लाख लोग मारे जाते हैं। इसके प्रमुख वाहक के रूप में मनुष्य, जानवर, पौधे या पर्यावरण है। सभी देशों द्वारा प्रतिजैविक प्रतिरोध से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश की आवश्यकता है। साथ ही ऐसे लोगों को लेकर जागरूकता फैलाना जरूरी होगा जो पेशेवर हैं और जो समाज में अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर सके। संयुक्त राष्ट्र अंतर समूह जिसने रिपोर्ट जारी की है उसके विषय में संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। इंग्लिश में पूरा नाम है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप, स्थापना WHO, FAO और OIE के परामर्श से 2006 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये है कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को रोकने के लिए व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना और जिससे इसका प्रसार रोका जा सके ऐसे कार्यों का निष्पादन करना। IACG की सिफारिशें, क्या सिफारिशें IACG के द्वारा की गई थी, सभी सदस्य देशों के विकास की गति को बढ़ाना, यानी कि सभी को प्रयास करना है कि जो भी IACG के सदस्य हैं उनके विकास की गति का पहिया रुक ना पाए, सुरक्षित भविष्य हेतु नवाचार, इनोवेशन करने लेकिन ऐसे इनोवेशन करने जिससे भविष्य सुरक्षित हो, अधिक प्रभावी कार्यवाही को प्रेरित करना, इस संदर्भ में जो आज का विषय है इससे संदर्भित ऐसी कार्यवाहियों को कार्यान्वयन में लेके आना जिससे कि उसके सकारात्मक रिजल्ट्स हमें दिखाई दें, सतत विकास के लिए निवेश को आकर्षित करना यानी कि इससे संबंधित निवेश के लिए लोगों को मोटिवेट करना, ऐसे लोग जो समाज सेवा की दृष्टि से निवेश करते हैं, ऐसे लोग जो समाज में कुछ परिवर्तन लाने की दृष्टि से निवेश करते हैं, तो ऐसे लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना जिससे कि सतत प्रक्रिया बनी रहे, मजबूत जवाबदेही और वैश्विक प्रशासन, एक स्वास्थ्य नेतृत्व समूह की बहुत तुरंत ही आवश्यकता है जो FAO, WHO और OIE के द्वारा स्थापना किया जाए और इन्हीं के द्वारा प्रबंधित हो और संयुक्त सचिवालय के द्वारा वो समर्थित हो। इस विषय के संदर्भ में क्या आवश्यकताएं हैं, विषय के संदर्भ में सबसे पहली जरूरत तो ये है कि लोगों में जन जागरूकता फैलानी होगी, ऐसे लोगों का इस काम के लिए मोटिवेट करना होगा जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, इस विषय के संदर्भ में लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैसेज दे सकें। एक स्वतंत्र पैनल के गठन की भी आवश्यकता है जो निष्पक्ष तरीके से लगातार होने वाली कार्यवाहियों पर निगरानी कर सके और उससे संबंधित जो भी निर्णय है वो वहां पर दे सके। सुनिश्चित संसाधन की पहुंच बहुत जरूरी है, नवीन नवाचार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इनोवेशन नहीं होंगे जो हमारे पास है, अगर उससे आगे का हमने नहीं सोचा तो जो हम कार्यवाहियां करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएंगी। उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोबियल के निर्माण के लिए
लोगों को मोटिवेट करना है कि वो इसमें निवेश करें ताकि अच्छी गुणवत्ता के माइक्रोबियल्स का निर्माण किया जा सके। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से संबंधित शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। लगातार साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।